जिसका वेटिंग वन होगा उसका भी कंफर्म नहीं होगा, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल उसका भी कंफर्म होगा। मैं RLWL का वेटिंग टिकट ले लिया हूँ और जिस दिन मैंने बुक किया उस दिन मेरे को RLWL 20 नंबर की वेटिंग टिकट मिली। 10 दिन के बाद जब मैंने चेक किया 20 का 20 ही बताया जा रहा है, कन्फर्म हो जाएगा उस दिन तक या फिर कन्फर्म नहीं हो पाएगा। जिस दिन तो 100% कुछ ना कुछ वेटिंग टिकट वेटिंग नंबर जरूर घटेगा। दोस्तों बहुत सारे लोग के मन में यह डाउट रहता है कि मैं RLWL का वेटिंग टिकट ले लिया हूं और मेरा टिकट जो है 20 दिन बाद का है। और जिस दिन RLWL का वेटिंग टिकट मैंने बुक किया उस दिन मेरे को RLWL 20 नंबर की वेटिंग टिकट मिली और मेरा जर्नी डेट 20 दिन बाद का है। लेकिन 10 दिन के बाद जब मैंने चेक किया PNR स्टेटस से कि मेरा RLWL मैंने जब 20 में काटा था तब क्या अभी घटा या फिर नहीं घटा, लेकिन 10 दिन के बाद जब मैंने चेक किया RLWL का वेटिंग टिकट तब 20 का 20 ही बताया जा रहा है, एक भी वेटिंग टिकट नहीं घटा है। तो क्या मेरा डेट अब 10 दिन बच गया है, तो क्या मेरा RLWL का वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाएगा उस दिन तक या फिर कंफर्म नहीं हो पाएगा? क्योंकि जब मैंने वेटिंग टिकट काटा हुआ है तब तो 2-3 दिन के बाद RLWL वाला वेटिंग टिकट घटना चाहिए। जितना मैंने बुक किया है वेटिंग नंबर उतना तो वेटिंग नंबर जिसी दिन था, अब कुछ दिन बाद तो वेटिंग नंबर जितना मैंने बुक किया है 20, 50, 100 वो तो घटना चाहिए, लेकिन 10 दिन टिकट बुक करने के हो गए हैं और अभी तक एक भी नंबर RLWL का वेटिंग टिकट नहीं घटा है। इसी तरीके का काफी सारे लोग का कमेंट आते रहते कि मैंने RLWL इतना बुक किया है लेकिन 5 दिन हो गए एक भी नहीं कटा है और 4 दिन बाद ही ट्रेन है और एक भी नहीं RLWL का वेटिंग टिकट घटा है, तो क्या मेरा ट्रेन उस दिन उस डेट को कंफर्म हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा? सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने RLWL का वेटिंग टिकट ले लिया है और अगर आपका RLWL का वेटिंग टिकट कम नहीं हो रहा है तो क्या आपका टिकट उस दिन को कंफर्म होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि अगर आपने RLWL का चाहे जितना भी नंबर वेटिंग टिकट हो अगर आपने वेटिंग टिकट ले लिया है तब हम सबसे पहले बात करते हैं कि वो किस कंडीशन में कम होता है। मतलब कि अगर आपने RLWL का 20 नंबर की वेटिंग टिकट लिया है इसका मतलब यह है कि 19 लोगों ने और अपना RLWL के अंदर वेटिंग टिकट बुक किया है और 19 नंबर के अंदर और लोगों ने वेटिंग टिकट बुक किया है इसका मतलब है कि 19 लोगों से जो पहले का टिकट बुक किया होगा उन सभी लोगों का कन्फर्म टिकट मिला होगा। उसके बाद 19 लोग वेटिंग में टिकट बुक किए हैं RLWL का, उसके बाद आपका नंबर है 20वां नंबर RLWL का वेटिंग टिकट, इसलिए आपका RLWL में 20 वेटिंग टिकट बताया जा रहा है। तो हम बात करते हैं कि क्या आपका 20 नंबर जो वेटिंग टिकट है वो कब घटेगा। तो देखिए RLWL का वेटिंग टिकट अगर आपका है तब सिर्फ एक ही कंडीशन में घटेगा। तो देखिए RLWL का वेटिंग टिकट तभी घटेगा जब कोई कंफर्म पैसेंजर वाला अपना टिकट को कैंसिल करे या फिर आपका जितना नंबर है वेटिंग उससे कम नंबर वेटिंग वाला अपना कोई टिकट कैंसिल करे, तभी आपका RLWL का वेटिंग नंबर घटेगा। अदरवाइज आपका अभी तक नहीं घटेगा RLWL का वेटिंग नंबर। मतलब कि अगर आपका RLWL का 20 नंबर में बुक किया है और अगर आपको RLWL करके 20 लिखा हुआ आ रहा है, करेंट स्टेटस अगर आपका 20 है, तब कब आपका 20 से कम होगा? जब कोई कंफर्म टिकट अपना कोई कैंसिल करेगा, या फिर अगर आपका RLWL 20 है तो 20 से नीचे जितना भी होंगे 19 लोग उन 19 वेटिंग में से अगर कोई एक और भी टिकट अपना कोई कैंसिल करेगा तब आपका 20 से 19 आएगा, तब आपका RLWL का वेटिंग घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए अगर दो कोई कंफर्म टिकट अपना कैंसिल कर देगा तब जो दो नंबर की वेटिंग होगी वेटिंग वन और वेटिंग टू, RLWL वेटिंग वन RLWL वेटिंग टू, उन दोनों को फटाक से सीधे कंफर्म हो जाएगा और अगर आपका RLWL 20 नंबर था तो आपका सीधे 18 नंबर पर आ जाएगा, मतलब सब के घट जाएगा वेटिंग नंबर। अब बात हम कर लेते हैं कि अगर आपका RLWL 20 है तो किसी का न किसी का 21 होगा, तो अगर वो अपना टिकट कोई कैंसिल करेगा 21 वाला तो आपका 20 का 20 ही रहेगा, प्रभाव किसको पड़ेगा? जो 21 के ऊपर होगा उसको प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि अगर आपका RLWL में जितना नंबर है उससे कम वेटिंग वाला अगर कोई है, अगर वो कोई कैंसिल करेगा तब आपका नीचे आएगा ना, लेकिन अगर उससे कोई ऊपर वाला कैंसिल करेगा तब इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आपका 20 है तो 20 ही रहेगा। तो ये तो बात हो गई कि आपका RLWL में घट नहीं रहा है, तो क्या कारण था कि घट नहीं रहा है? तो यही कारण था कि कोई अपना कन्फर्म टिकट या फिर आपसे नीचे वाला वेटिंग टिकट कोई कैंसिल नहीं करवा रहे हैं, इसलिए आपका वो RLWL वेटिंग टिकट घट नहीं रहा है। तो क्या अब हम बात कर लेते हैं कि क्या जिस दिन आपका टिकट है उस दिन वो टिकट कंफर्म हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? तो देखिए RLWL का वेटिंग टिकट कंफर्मेशन चांस हम बता देते हैं कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, लेकिन आज के इस मुद्दे पर हम यह बात करने वाले हैं कि अगर आपका वो RLWL का वेटिंग नंबर घट नहीं रहा है तो कंफर्म होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए अगर आपने RLWL का वेटिंग नंबर टिकट बुक कर लिया है और 10 दिन के बाद जब PNR स्टेटस से चेक कर रहे हैं तब आपको उतना ही नंबर का RLWL वेटिंग बताया जा रहा है जितना नंबर का आप जिस दिन टिकट बुक किए हैं, तब इसका मतलब है कि कोई लोग अपना टिकट कैंसिल नहीं करवा रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत कम
हम उम्मीद है कि आपका वो टिकट कन्फर्म हो जाए, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आपका वो वेटिंग नंबर टिकट कन्फर्म ना हो। आपका वो टिकट कन्फर्म हो भी सकता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कैसे कन्फर्म हो सकता है। देखिए, आपने मान के चलिए कि जितना वेटिंग नंबर बुक किया हुआ है तो उतना वेटिंग, जिस दिन आपका टिकट है उस टिकट के एक दिन पहले काफ़ी सारे लोग टिकट कैंसिल करते हैं। आप जिस दिन का भी टिकट बुक किए हुए हैं उस ट्रेन का चार्ट 4 घंटे पहले नॉर्मली बनता है, तो ट्रेन चार्ट बनने से पहले काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जिनको भी टिकट कैंसिल करना होता है वो लोग अपना टिकट कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर बात आता है कि आपका जिस दिन तो 100% कुछ ना कुछ वेटिंग नंबर ज़रूर घटेगा। ये हो ही नहीं सकती है कि कोई भी ट्रेन में वेटिंग नंबर या फिर कंफर्म लोग अपना पैसेंजर कैंसिल करवाएं ही नहीं। आप किसी ना कोई ट्रेन में देख लीजिएगा, जिस दिन ट्रेन होगा ट्रेन चार्ट बनने के पहले जिन लोगों को टिकट कैंसिल करवाना होगा वो लोग ज़रूर टिकट अपना कैंसिल करवाएंगे, चूँकि उनको पता है कि ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद अगर मेरा कन्फर्म टिकट है तब मेरे को पैसा रिफंड नहीं मिलने वाला है। इसलिए वो ट्रेन चार्ट बनने के पहले अगर जिनको टिकट कैंसिल करवाना होगा वो लोग जरूर अपना टिकट कैंसिल करवाएंगे, और उस दिन जितना आपका वेटिंग नंबर है उस दिन आपका वेटिंग नंबर श्योर घटेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अच्छा, मान के चलिए कि मेरा वेटिंग नंबर घटेगा लेकिन कन्फर्म होगा, तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, उस दिन बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि मैंने आपको बताए हुए हैं कि कोटे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मान के चलिए कि अगर कोई टिकट कैंसिल ही ना करवाए तो कन्फर्म नहीं होगा, जिसका वेटिंग 1 होगा उसका भी कन्फर्म नहीं होगा, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल उसका भी कन्फर्म होगा। अब बात करते हैं कि कैसे होगा जब कोई टिकट कैंसिल ही नहीं करवाए। तब देखिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी टिकट अपना कैंसिल ना करवाए। बिल्कुल वो अपना टिकट कैंसिल करवाएंगे जिस दिन ट्रेन है उसके 4 घंटा पहले, श्योर जिनको टिकट कैंसिल करवाना होता है वो लोग अपना टिकट कैंसिल करवाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मान के चलिए कि अगर कोई टिकट कैंसिल ना करवाए तब कंफर्म नहीं होगा, तब इसका मतलब है कि बिल्कुल कंफर्म होता है। कैसे कंफर्म होता है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि एक ट्रेन में काफी सारे कोटे होते हैं। 6 तरीके के कोटे आपको ऑनलाइन बुक करते समय दिखाए जाते हैं, लेकिन 6 अलग तरीके के कोटे एक और होते हैं। अगर उन सब कोटों में उस दिन के अंदर टिकट बुक ना हो पा रहा हो तो जितना भी सारे वेटिंग टिकट होते हैं वो सारे के सारे वेटिंग टिकट कन्फर्म किए जाते हैं। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपका वेटिंग नंबर घट नहीं रहा है, टिकट बुक किए हुए 10 दिन 15 दिन हो गए और अगर आपका वेटिंग नंबर घट नहीं रहा है, तब इसका मतलब यह हो सकता है कि आपका बहुत कम चांस है कि वो टिकट कंफर्म होने का, लेकिन यह कतई मतलब नहीं है कि आपका वो टिकट बिल्कुल भी ना कन्फर्म होगा। लेकिन एक और बात मैं बता देता हूँ कि आपका जिस दिन का ट्रेन है उस दिन ट्रेन चार्ट बनने के 4 घंटा पहले PNRS स्टेटस चेक कीजिएगा, जरूर आपका वेटिंग नंबर आपका जरूर उस दिन घटेगा ही घटेगा, क्योंकि उसी दिन बहुत सारे लोग अपना टिकट कैंसिल करवाते हैं। तो आपका उसी दिन ट्रेन चार्ट बनने के बाद हो सकता है कि आपका वेटिंग नंबर से डायरेक्ट टिकट कन्फर्म हो जाए। ये नहीं कि वेटिंग नंबर 1 आए उसके बाद ही मेरा कन्फर्म होता है, ऐसा नहीं है। जिस दिन ट्रेन चार्ट बनता है 10-10, 20-20 जितना वेटिंग नंबर रहता है ना, उस सबका डायरेक्ट कन्फर्म कर दिया जाता है ट्रेन चार्ट बनने के बाद। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं मेरा वेटिंग 20 है 15 होगा 18 17 16 इस तरीके से घटेगा, 1 पे जाएगा उसके बाद कन्फर्म होगा। अरे ना भैया, जिस दिन ट्रेन चार्ट बनेगा ना उस दिन अगर आपका 15 भी वेटिंग रहेगा ना, तो हो सकता है अगर सीट खाली हो या फिर अगर अलग कोटे में टिकट बुक ना हो पा रहा हो तो आपका 15 नंबर से डायरेक्ट कन्फर्म कर दिया जाता है। ये नहीं कि जो लोग 1 पे आएंगे उसके बाद ही वेटिंग टिकट कन्फर्म होगा, ऐसा नहीं होता है। जिस दिन ट्रेन चार्ट बनता है उस दिन का अगर जितना का वेटिंग कन्फर्म करने को रहता है उस दिन आपका वेटिंग नंबर से डायरेक्ट कन्फर्म यहाँ पर RLWL में कर दिया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि अगर आपने RLWL के अंदर वेटिंग टिकट बुक कर लिया है तब दोस्तों अगर आपका वेटिंग टिकट घट रहा है या फिर नहीं घट रहा है तो कंफर्म होगा या फिर नहीं होगा। तो इससे जुड़ी जानकारियां आपको पूरी उम्मीद है कि मिल गई होगी अच्छे से। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।